नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक यूट्यूब चैनल आज 20 सितंबर 2024 को हैक हो गया। इस घटना से न्यायालय की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। हैकर ने चैनल पर ऐसी सामग्री पोस्ट की है जो अमेरिकी कंपनी रिफिल लैब्स के द्वारा विकसित क्रिप्टोकरेंसी XRP को बढ़ावा देती है और हैक होने के बाद चैनल पर एक खाली वीडियो लाइव हुआ जिसका शीर्षक था ब्रेड गार्ली हाउस। इससे पहले चैनल पर मौजूद सभी वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया था और इससे दर्शकों को न्यायालय की सुनवाई की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी। सर्वोच्च न्यायालय का यूट्यूब चैनल आमतौर पर संविधान पीठों और जनहित के मामलों की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपयोग किया जाता। ये चैनल 2018 में एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद से ही सक्रिय हुआ है जब न्यायालय ने सभी संविधान पीठ की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और चैनल का लिंक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। न्यायालय के अधिकारियों ने यह कहा है कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे और कोई भी दिक्कत ना हो उसको लेकर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस घटना के समय सर्वोच्च न्यायालय कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने वाला था जिसमें एक जनहित याचिका शामिल थी जो केंद्र सरकार के जजों की नियुक्ति के लिए निश्चित समय सीमा तय करने के निर्देश देने की मांग करती है और इसके अलावा अदालत ने कुछ संवेदनशील मामलों की भी सुनवाई करनी थी, जैसे कि कोलकाता के आरजीकल अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित मामला। ये घटना न केवल सर्वोच्च न्यायालय के डिजिटल सुरक्षा पर सवाल उठाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे क्रिप्टोकरेंसी समर्थक प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हैक करने के अपने उत्पादनों के प्रचार का प्रसार कर रहे हैं। और इससे पहले भी रिफिल ने यूट्यूब पर अपने CEO ब्रेड गार्ली हाउस से संबंधित फर्जी खातों के खिलाफ कार्रवाई की थी जो कि इस तरह के धोखाधड़ी अभियानों में शामिल थे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का YouTube चैनल हैक होना एक काफी गंभीर मुद्दा है और इसे तुरंत सुलझाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।